एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. कैसे हैं आप लोग? हाय, गुड इवनिंग एवरीवन. गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग. So welcome to the current affairs analysis for today, that is 26th of October. और आज हम लोग 25th and 26th दोनों, that is Sunday, क्योंकि Sunday का हमारा session नहीं होता है, तो आज Sunday वाला भी हम लोग cover करेंगे along with today's analysis. Editorial analysis हमने सुबह ही cover कर लिया, ठीक है. So the editorials are done and this is regarding your current affairs and MCQs. राइट. सो आज 26 अक्टूबर है, जैसा आपकी आपको पता है, और आज पॉलिटी एंड गवर्नेंस का कोर्स स्टार्ट हो चुका है अनअकैडमी प्लस पे. जिन्होंने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो वो अभी भी ले सकते हैं, क्योंकि 31 अक्टूबर तक आप लोग के पास टाइम है ऑप्शनल को यू नो बंडल्ड पैकेज लेने का. उसके बाद फिर प्राइसेस आपकी अलग हो जाएंगे, दे विल वेरी. ऑलराइट गाइस, चलिए. तो ये हमारा कोर्स है जो स्टार्ट हुआ आज से. सो यू कैन एनरोल एंड फाइंड द लिंक ऑफ द कोर्स नीचे इन माई प्रोफाइल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. गुड इवनिंग एवरीवन. सो फर्स्ट थिंग इज the news today that has come is regarding discovery of a fish, a new fish called as Enigmachana golem. Belongs to an old family of fish, so called dragon snakehead, which retains its primitive characteristics after all the millennia. So a new species of fish ko discover kiya gaya hai. Besides the golem, a sister species has also been discovered called as Mahabali. To ye do nayi species of fish discover ki gayi hai. Now why it is interesting? Because it is named after a character. And the discovery of a new film, a family of fish is very rare. The dragon snakehead have evaded scientists till now because they live in subterranean aquifers. Subterranean मतलब जमीन के अंदर, मतलब जो आप देखोगे जैसे river है उसके नीचे जो आपका soil होता है, जो river bed होता है उसके नीचे भी रहते हैं. Surface पे तभी आते हैं जब heavy flooding होती है. So subterranean मतलब जमीन के भी अंदर, so river bed के अंदर रहते हैं, छिपे रहते हैं. इसीलिए अभी तक साइंटिस्ट लोग जो हैं यू नो इन्होंने इस स्पेसिफिक स्पीशीज को डिस्कवर नहीं किया था. फैमिली जो है इनकी, अगर आप देखोगे ये पूरी फैमिली ऑफ फिशेज जो है अभी रिसेंटली डिस्कवर किया गया. सो द दिस में इंडिकेट दैट दी दिस यू नो दीज फिशेज इज ऑफ द गोंडवाना लीनियज. तो हिस्ट्री बहुत पुरानी है, स्पीशीज जो डिस्कवर किए गए वो नए हैं, ठीक है. तो भूमिका, आई नो आप जूलॉजी के स्टूडेंट हो, बट ये जो है हिस्ट्री इसलिए पुरानी है क्योंकि ये गोंडवाना प्रोबेबली दे आर फ्रॉम द गोंडवाना पीरियड, जब इंडियन लैंडमास अलग हुआ करता था. सो विच हैज सर्वाइव्ड द ब्रेकअप ऑफ द सुपर कॉन्टिनेंट विद इंडिया सेपरेटिंग फ्रॉम अफ्रीका एट अराउंड 120 मिलियन ईयर्स अगो. सो द लैक ऑफ एवोल्यूशन कैन बी सीन इन द शॉर्टेड स्विम ब्लैडर ऑफ द ड्रैगन स्नेकहेड एज वेल एज द फीवर वर्टिब्रेट्स विद रिब. तो उनका उस हिसाब से एवोल्यूशन नहीं हुआ. आप देखोगे जो उनके जो रिब्स हैं वो मिनिमम वर्टिब्रेट है यहाँ पे. So the golem snakehead was first identified as a new species in May 2019 in a study published Zoo Taxa. तो golem कोई नई species नहीं है, family. इसमें जो ये दो मिले हैं जो specifically आपके ये जो गोल जो Enigmachana महाबली है और Enigmachana जो है, ये दो नए species है. family थोड़ी इनकी पुरानी. तो species कितनी पुरानी, जब इंडिया आप हिमालयस, मतलब they are even older than हिमालयस. सोचो हिमालय से भी पहले की species है ये. दे आर themselves a living fossil. आप इनको लिविंग फॉसिल भी बोल सकते हो, मतलब इतने पुराने फिश की स्पीशीज है ये.
उसके अलावा एक ओआक्सा करके जगह है इन मेक्सिको, सदर्न मेक्सिको में है, यहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन है। यहाँ पे एक स्पेशल, स्पेसिफिक और स्पेशल टाइप की टेक्सटाइल मिलती है, खादी टेक्सटाइल, जिसके बारे में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कल संडे को मन की बात में रेफरेंस दिया था। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी आस्क्ड पीपल टू गो वोकल फॉर लोकल वाइल शॉपिंग ड्यूरिंग द फेस्टिवल सीजन एंड पर्टिकुलरली एक्सटॉल द वर्च्यूज ऑफ खादी द हैंड वोवन क्लोथ पॉपुलराइज बाई महात्मा गांधी। सो प्राइम मिनिस्टर मेड अ रेफरेंस टू द रीजन ऑफ ओहाका और ओआक्सा, ठीक है, ओहाका प्रोनाउंस करते हैं हम इसको, एक्स इज प्रोनाउंस एज ओहाका, सो इन मेक्सिको और मेक्सिको, बिकॉज मेक्सिको इज प्रोनाउंस एज मेक्सिको एंड ये ओहाका। वेरी सेट खादी वॉज बींग मैन्युफैक्चर्ड एंड नरेटेड एंड एनेक्डोट अबाउट हाउ खादी रीच द लैटिन अमेरिकन कंट्री आफ्टर अ लोकल रेजिडेंट बिकेम इन्फ्लुएंस बाय अ फिल्मर महात्मा गांधी। तो यहाँ पे खादी महात्मा गांधी से इंस्पायर होके आई है, हैंड वोवन होती है वहाँ पे भी। सो खादी ओहाका इज अ फार्म टू गारमेंट कलेक्टिव विच कम्प्राइजेज अराउंड 400 फैमिलीज विच लिव एंड वर्क ऑन ट्रेडिशनल फार्म्स एंड होमस्टेड्स इन दी ओहाका रीजन ऑफ सदर्न मेक्सिको। इट हैज़ बीन फाउंडेड बाय मार्क मार्कोस ब्राउन एंड अमेरिकन लिविंग इन मेक्सिको और मेक्सिको एंड हिज वाइफ कालिन दी अटार। सो ब्राउन बिगन वेयरिंग द क्लोथ्स एंड ही हैड स्पन हिमसेल्फ इन दी 90s एंड ब्रॉट अ चरखा स्पिनिंग व्हील, जिससे बनता है, आप लोग देखते हो मोस्ट फेमस खादी, बैक विद हिम टू ओहाका। हियर इन सैन सेबास्टियन रियो होंडो विलेज he began teaching spinning to local families and eventually started khadi ohaka in 2010. so ye mahatma gandhi is inspired hoke yahan pe mr breer aaye hain, mr brown, he took tha khadi with himself and started producing it locally, ab wahan ke logo mein kafi zyada famous ho chuka hai. so iska reference prime minister modi ne diya kal ke hamare man ki baat mein, to aise question banta hai jab cheeze news mein aati hain, right. chaliye इन्वायरमेंट की न्यूज़ आई है हिमालयन ब्राउन बियर को लेके, बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ हैं। सो रिसेंट स्टडी की गई हिमालयन ब्राउन बियर में एंड दे हैव प्रेडिक्टेड अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन सूटेबल हैबिटेट, काफ़ी ज़्यादा इनका हैबिटेट इंक्रोचमेंट हो रहा है जो कि काफ़ी कंसर्निंग न्यूज़ है हम लोग के लिए, एंड बायोलॉजिकल कॉरिडोर्स इनके जो है कम हो रहे हैं ऑफ द स्पीशीज ड्यू टू क्लाइमेट चेंज प्रॉम्प्टिंग साइंटिस्ट टू सजेस्ट एन अडैप्टिव स्पेशल प्लानिंग ऑफ द प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क इन द वेस्टर्न हिमालयस फॉर कंजर्विंग द स्पीशीज। द हिमालयन ब्राउन बेयर इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कार्निवोर्स हैं, ठीक है। जनरली ये आप देखोगे एक हमारे नॉर्मल होते हैं, नॉर्मल ब्लैक बियर्स होते हैं जो आपके इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में और ड्राई रीजन में मिलते हैं। हिमालयन ब्राउन बेयर्स आर कार्निवोर्स एंड द स्टडी वॉज कैरिड आउट इन द वेस्टर्न हिमालयस बाय साइंटिस्ट ऑफ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। दे प्रिडिक्टेड अ मैसिव डिक्लाइन ऑफ 73% ऑफ द बियर्स हैबिटेट बाई 2050। काफ़ी कंसर्निंग न्यूज़ है। उसके अलावा एक सेकेंड न्यूज़ है वो अलग है, दैट इज़ रिगार्डिंग द छात्र फेस्टिवल इन भवानीपटना टाउन ऑफ उड़ीसा कालाहांदी डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, वाई इज़ दिस कालाहांदी डिस्ट्रिक्ट वेरी फेमस फॉर, क्यों फेमस है कालाहांदी डिस्ट्रिक्ट जो है? मैंने एक दो बार और भी पूछा इसके बारे में आप लोगों से, वाई इज़ दिस कालाहांदी वेरी फेमस? नो नो, दैट इज कांदामल, वो टर्मरिक अलग है, मैं तभी समझ गया था, ठीक है। कालाहांदी इज डिफरेंट, दैट इज कांदामल, वो अलग है। यहाँ पे कॉटन बहुत ग्रो होता है, कालाहांदी एक्चुअली वॉज वेरी फेमस फॉर, आपको पता होगा ना ग्रेट फैमाइन आया था ब्रिटिशर्स के टाइम पे, सो उड़ीसा द ग्रेट फैमाइन ऑफ बंगाल एंड उड़ीसा, सो कालाहांदी वॉज द मोस्ट अफेक्टेड एरिया एट दैट टाइम। वो कांदामल है, वो अलग है, हल्दी वाला अलग है, हल्दी वाला इज डिफरेंट। This is regarding cotton and the great famine of Bengal and Odisha. वह कांदामल district है वो। So thanks to COVID-19 pandemic, the Kalahandi district administration imposed a strict security blanket that did not let devotees kill animals. तो ये क्यों न्यूज़ में है? Because ये छात्र festival होता है यहाँ पे जहाँ पे animal sacrifice की जाती है, but COVID-19 की वजह से उसको skip कर दिया गया, which is a good news for animal activists. ठीक है, इसलिए। और ये क्यों किया जाता है? To basically गॉडेस मानिकेश्वरी है वहाँ की, जिनको खुश करने के लिए ये जनरली किया जाता है। सो दिस हैज़ बीन नाउ डन अवे विद, स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ COVID-19। नाउ दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आई है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन से आई है। एविडेंस ऑफ डेयरी प्रोडक्शन आया है इंडस वैली से, बताओ कितने एडवांस लोग थे, अब डेयरी के बारे में भी आ गया। सो द ईयर 2020 मार्क्स द 100th ईयर ऑफ डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन।
And a new study has shown that dairy products were being produced by the Harappans as far back as 2500 BC. एनिमल सैक्रीफाइस भूमि का कहाँ पे बैन है? हमारे यहाँ हर जगह होती है, बलि नहीं चढ़ती है। आप देखो पूरे के पूरे तो गुवाहाटी में जो टेम्पल है कामाख्या देवी जी का, वहां पे तो प्रॉपर बलि चढ़ती है। सो दिस स्टडी इन द इंडस वैली रिगार्डिंग, इसको कैरी आउट किया गया था इन 59 शार्ड्स ऑफ पॉटरी फ्रॉम कोटा बडली, अ स्मॉल आर्कियोलॉजिकल साइट इन प्रेजेंट डे गुजरात, वहां से निकला है। तो कार्बन आइसोटोप स्टडी किए गए और वहां से पाया टीम ने दैट द मॉलिक्यूलर एनालिसिस टेक्निक टू स्टडी द रेसिड्यू फ्रॉम एंशिएंट पॉटरी, पॉट्स आर वेरी पोरस, सो परफोरेटेड पॉट्स आपको पता होगा वो स्ट्रेनिंग ऑफ लिकर के लिए यूज होते थे, जब कोई गेस्ट आता था उस टाइम उसको यूज करते, नॉर्मली डेली में यूज नहीं करते थे। हाँ, तो ये आपके मैंने बताया ना संडे को साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेक्शन आता है और उसके अलावा न्यूज आती है, तो मैंने आज और कल दोनों के न्यूज पेपर कंबाइन किए, क्योंकि आज तो हिंदू आया नहीं है, इंडियन एक्सप्रेस और बाकी रिलेटेड न्यूज पेपर की न्यूज है और बाकी जो करंट अफेयर्स में आया है। सो आज तो बिकॉज विजयदशमी थी तो कल थी और आज भी है, तो अब कुछ स्टेट्स में तो आज हिंदू का एडिशन कोई नहीं आया। सो कल का न्यूज़पेपर है और आज की जो रेलेवेंट न्यूज़ आई उसको मैंने इंक्लूड किया है। सो एज सून एज वी पुट एनी लिक्विड फॉर्म ऑफ फूड इट विल अब्सॉर्ब इट द पॉट प्रिजर्व द मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड। उसके अलावा अगर आप एग्रीकल्चर के अलावा इसकी बात करोगे ऑफ डेयरी, देयर ऑल्सो रिमेन्स ऑफ अ परफोरेटेड वेसल एंड सिमिलर वेसल्स वर यूज्ड इन यूरोप टू मेक चीज, सो इट इज पॉसिबल दैट दे वर फर्दर प्रोसेसिंग मिल्क इन टू डिफरेंट फॉर्म्स, सो एविडेंस ऑफ चीज प्रॉबेबली। अब चीज़ ऐसा तो है नहीं कि सर्वाइव करेगा सालों तक, बट जिस तरीके का वो लोग पॉटरी यूज कर रहे हैं वो शायद चीज मेकिंग के लिए करते थे। सो अ प्रिलिमिनरी स्टडी सजेस्ट दैट मोस्ट ऑफ द कैटल एंड वाटर बफेलो डाइट एट एन ओल्डर एज, सजेस्टिंग दे कुड हैव बीन रेस्ड फॉर मिल्क, वेयर एज द मेजोरिटी ऑफ गोट शीप डाइट व्हेन दे वर यंग, इंडिकेटिंग दे कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मीट। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। वो बोल रहे हैं कि जनरली जो हमें आइसोटोप हमने डेटिंग करी है उस हिसाब से पता चला है कि आपका जो कैटल्स हैं, बड़े कैटल्स हैं, वो मोस्टली काफ़ी ओल्ड एज में उनकी डेथ होती थी, और जो शीप और ये गोट्स होते थे इनको जल्दी मार दिया जाता था, क्योंकि शीप और गोट मीट के लिए यूज़ होते थे और आपके जो ये होते थे कैटल्स इनको यूज़ करते थे मिल्क के लिए। सो चीज़ मेकिंग का एविडेंस एक तरीके से ये पॉइंट करता है। एंड द हरप्पन्स डिड नॉट जस्ट यूज डेयरी फॉर द हाउस होल्ड, द लार्ज हट इंडिकेट्स दैट मिल्क वॉज प्रोसेस्ड एंड प्रोड्यूस इन सरप्लस सो दैट इट कुड बी एक्सचेंज बार्टर सिस्टम के थ्रू with some kind of trade between settlements, this could have given rise to an industrial level of dairy exploitation. ये उस समय का अमूल था, ठीक है, this was that time of अमूल cooperative system. तो Indus Valley वाले हमसे तो बहुत ही आगे थे अपने हिसाब से। So ये उस समय का अमूल system था ये, ठीक है। So they had a large scale dairy industry, मतलब वो household नहीं था, it was large scale. प्रॉपर इंडस्ट्री थी, बिकॉज वो डिफरेंट टाउन्स एंड सिटीज के बीच में ट्रेड करते थे। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई है आप लोग। चलिए, उसके अलावा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2020 आया है, जिसने इंडिकेट किया है कि इंडिया की जीडीपी है वो विटनेस करेगी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ओवर 10% के आसपास। सो दिस इज मोर देन द डबल ऑफ 4.5% कॉन्ट्रैक्शन प्रोजेक्टेड इन अप्रैल एडिशन में अगर आप देखोगे। सो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो सर्वे है वो IMF प्रोड्यूस करता है, विच इज यूजुअली पब्लिश ट्वाइस अ ईयर इन द मंथ्स ऑफ अप्रैल एंड अक्टूबर। तो अप्रैल में एक्सपेक्ट किया गया था कि 4.5 होगा, अब और बढ़ गया, दैट मीन्स इट इज स्टिल डिक्लाइनिंग। सो ग्लोबल ग्रोथ वुड कॉन्ट्रैक्ट बाई 4.4% इन 2020 एंड बाउंस बैक टू 5.2 इन 2021। अगर हम इंडिया स्पेसिफिक बात करें इस आउटलुक में, सो इंडियन इकोनॉमी विल बी विच इज सिवियरली हिट बाई द पैंडमिक इज प्रोजेक्टेड टू कॉन्ट्रैक्ट बाई 10.3% इन 2020। खत्म ही हो गया सर साल, पता नहीं चला इस बार, मतलब मुझे तो खुद नहीं पता चला। मार्च से हम लोग लॉकडाउन में थे, अभी भी कोई लॉकडाउन जैसी ही फील आ रही है, अब इतना यूज टू हो गए कि आप सोचो अप्रैल मई जून, मार्च भी ऑलमोस्ट आधा निकल ही गया था, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, सर 7 महीने से ज़्यादा निकल के पता ही नहीं चला साल कब आया कब चला गया, अभी 2 महीने और बचे। सो द स्प्रेड ऑफ COVID-19 एंड कंटेनमेंट मेजर्स हैव सिवियरली डिसरप्टेड सप्लाई एंड डिमांड कंडीशंस इन इंडिया, हावर इंडिया इज लाइकली टू बाउंस बैक इन 2021। ऐसा बोल रहे हैं कि 8.8% का ग्रोथ रेट हम लोग क्लॉक कर सकते हैं, विच इज एम्बिशियस, लेट्स सी, बट रीगेनिंग द पोजिशन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इमर्जिंग इकोनॉमी सरपासिंग चाइनाज ग्रोथ रेट ऑफ 8.2, विच इज अ गुड थिंग। ऑप्टिमिस्टिक होना जरूरी है लाइफ में। तो 8.2 चाइना का प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट है 2021 में, इंडिया का एक्सपेक्टेड है कि वो 8.8 तक पहुँच जाएगा, which is good.
सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ ये लिंक टॉपिक है थोड़ा नॉट स्पेसिफिक रिलेटेड टू दिस बट रिलेटेड टू इकोनॉमी. सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस द स्कीम फॉर द वेवर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट दैट वॉज वेवेबल बाय द बोरोवर हु अडॉप्टेड फॉर अ लोन मॉरेटोरियम बिटवीन 1st March to 31st August 2020. तो आपको पता है लोन वेवर हुआ था बिकॉज ऑफ COVID-19. इंटरेस्ट EMI जो पे करने थे वो आपके उसको उस पर उन्होंने एक तरीके का वेवर दे दिया. तो उस पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा था गवर्नमेंट ने बोला कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो आपको EMI देने के लिए मना किया था बट उस पर इंटरेस्ट अक्रू हो रहा था, तो अब वो कंपाउंड हो गया क्योंकि ऐड होता चला गया, ऐड होता चला गया, ऐड होता चला गया, तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया. तो कंपाउंडेड इंटरेस्ट के ऊपर भी सरकार ने फाइनली बोला है कि जाने दो, माफ़ कर दो, क्योंकि क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते सर, कहाँ से पे करेगा, आदमी का बिजनेस नहीं चल रहा है, कहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट देगा उस पर. सो RBI इन मार्च है 2020 ऑफर्ड अ 3 month मोरेटोरियम, बाद में उसको एक्सटेंड कर दिया गया फॉर अनदर 3 months. तो 6 महीने का लोन मोरेटोरियम दिया गया था कि आपको EMI नहीं देनी. तो अब उस वजह से उस पर इंटरेस्ट तो लग रहा था बट इंटरेस्ट भी कंपाउंडेड हो गया, तो 1 फिर उस पर 3% फिर 3% फिर 3%, वो कंपाउंडेड ग्रोथ उसका इंटरेस्ट लगता चला जाता है. सो द लोन मोरेटोरियम एंड द वेवर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट वॉज एम्ड एट प्रोवाइडिंग बोरोवर्स रिलीफ अमिड दी कोरोना वायरस इम्पैक्ट and the impact of economic impact of the COVID-19 pandemic. Divesh, yes. Previous year ke base year se calculate karte hain usko. To ye jo scheme hai, it will be applicable for loans availed by micro, small and medium enterprises as well as loans to retail customers for education, housing, consumer durables, automobile provided a borrower has an aggregate outstanding loan of 2 crore or less. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अगर आपका करोड़ जो जो आपका टोटल लोन है वो 2 crore से कम है या उतना तक है और आप MSME की कैटेगरी में आते हो, एजुकेशन के लिए आपने लोन लिया था, हाउसिंग के लिए लोन लिया था, कंज्यूमर ड्यूरेबल के लिया था, ऑटोमोबाइल के लिया था, तो आपको यहाँ पे कंपाउंडेड जो इंटरेस्ट रेट है उससे वेवर भी मिल जाएगा. सो यू हैव टू फॉल इन दिस कैटेगरी. उसके अलावा क्रेडिट कार्ड के ड्यूज को भी इंक्लूड किया गया है स्कीम के एम्बिट में. So even the credit card dues have also been included. So the loan interest waiver payment shall be admissible irrespective whether the borrower had availed that moratorium partly, fully or not at all. ये सबसे important point है. इसमें क्या होता है कि कई बार क्या होता है, banks ने बोला कि अगर आप लोगे तब eligible है, नहीं लोगे कोई बात नहीं, but यहाँ पर उन्होंने बोला है कि ये automatically admissible है, भले ही customer ने avail किया हो नहीं किया हो, कोई interest charge नहीं लगेगा delay payment पे, या अगर आपने नहीं दिया interest, EMI नहीं दिया उस पर, अगर आपने ई एम इक्वल जो मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं पे किया तो उस पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है वो वेव ऑफ कर दिया गया. बट इसमें एक कैच है. कैच क्या है कि उनके लिए ही मिलेगा जो लोन अकाउंट NPA हो गए थे 29 February तक. तो अब जिनको बाद में करना था वो बाद वाले नहीं एलिजिबल इसमें. अगर 29 February तक आपने नहीं दिया EMI वो लोग एलिजिबल है इसके अंदर, उसके बाद वाले नहीं है. तो ये कैच है इसमें. ठीक है जी. नाउ नेक्स्ट इज इंटेग्रिटी पैक्ट. ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को लेके आया है न्यूज में. ये इंटेग्रिटी पैक्ट क्या होता है, इट्स बेसिकली अ विजिलेंस टूल दैट एनविसाजेस CVC को लेके आया न्यूज में, दैट एनविसाजेस एन अग्रीमेंट बिटवीन द प्रोस्पेक्टिव वेंडर्स, बिडर्स एंड द बायर कमिटिंग बोथ द पार्टीज नॉट टू एक्सरसाइज एनी करप्ट इन्फ्लुएंस ऑन एनी एस्पेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. जनरली जब हम कॉन्ट्रैक्ट में किसी को कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज होती हैं तो एक तरीके का अग्रीमेंट होता है बिटवीन वेंडर्स एंड बायर्स एंड बिडर्स के बीच में, कि कोई ऐसा करप्शन रिलेटेड मींस या अनइवन बिडिंग या कह सकते हो अनफेयर बिडिंग नहीं करेंगे. सो उसको हम बोलते हैं इंटेग्रिटी पैक्ट. ये विजिलेंस, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन क्योंकि एपेक्स बॉडी है करप्शन रिलेटेड केसेस को देखने के लिए, तो वो इन सब चीज़ों को मॉनिटर करते हैं. सो द पैक्ट ऑल्सो इन्श्योर्स ट्रांसपेरेंसी, इक्विटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट. सो इंटीग्रिटी एक्सटर्नल मॉनिटर्स करके एक टर्म आता है, उसका क्या मतलब होता है. सो IEMs बेसिकली आर इंडिपेंडेंटली एंड ऑब्जेक्टिवली रिव्यू द डॉक्यूमेंट्स to determine if the parties have complied with their obligation under the pact. So they may submit a report to the chief executive of the organization concerned or directly to the chief vigilance officer and the CVC if they find serious irregularities attracting the Prevention of Corruption Act. तो POCO को लेके, Prevention of Corruption Act को लेके जो apex body है जिसको power investigate करने की वो है CVC. वैसे CBI cases भी करती है investigate corruption वाले, but CBI को बोलना पड़ता है. बट ऑटोमेटिकली एक ही बॉडी रिस्पॉन्सिबल है करप्शन रिलेटेड केसेस के लिए, वो है CVC. सो CVC एक्चुअली के पास, अगर आप देखोगे CVC हैज़ प्रेसिडेंस ओवर CBI. CVC के पास ज़्यादा पावर है CBI से, बिकॉज CBI के पावर डिफाइंड नहीं है. हम दिल्ली पुलिस जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट की बात करते हैं उसके अंदर से इसको सेटअप ज़रूर किया गया है, बट पावर डिफाइंड नहीं है. CVC क्योंकि आपका स्टैचुटरी बॉडी है, CVC एक्ट के थ्रू बनाया गया, इनके पावर डिफाइंड है.
तो करप्शन को लेके सारे केसेस जो है वो सीवीसी के पास जाते हैं। तो अगर कहीं बिडिंग को लेके अनफेयर कंपटीशन है, ट्रांसपेरेंस नहीं है कॉन्ट्रैक्ट्स में, तो वो आपका सीवीसी के अंदर इंटेग्रिटी पैक्ट उसको चेक करते हैं कि ये क्या इंटेग्रिटी पैक्ट को फॉलो किया गया या नहीं फॉलो किया। सो दिस इज इन न्यूज विद रिस्पेक्ट टू योर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। उसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी जी ने, अगर आप देखोगे, तीन इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स गुजरात में इनॉग्रेट किया है। एक तो है इलेक्ट्रिसिटी की स्कीम आई है फॉर फार्मर्स फॉर इरीगेशन। दूसरा है गिरनार रोपवे, ये जो है गिरनार रोपवे गुजरात में लगभग 2.3 किलोमीटर लॉन्ग है, 25 कैबिन्स, एंड पीडियाट्रिक हार्ट हॉस्पिटल जो है उसको लॉन्च किया है। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑन सैटरडे इनॉग्रेटेड थ्री प्रोजेक्ट्स इन हिज होम स्टेट ऑफ गुजरात। वन रिलेटेड टू फार्मर्स वेलफेयर, सेकंड रिलेटेड टू हेल्थ केयर, थर्ड जो है वो टूरिज्म डेवलपमेंट को लेके है वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फ्रॉम न्यू दिल्ली। सो ही लॉन्च द किसान सूर्योदय योजना एंड प्रोवाइडिंग डे टाइम इलेक्ट्रिसिटी टू फार्मर इन द स्टेट फॉर इरीगेशन। सेकेंड प्रोजेक्ट जो था वो आपका पीडियाट्रिक हार्ट हॉस्पिटल है एट यू एन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी रिसर्च सेंटर इन अहमदाबाद, डेवलप्ड विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 470 करोड़। द थर्ड प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च वॉज अ 2.3 किलोमीटर लॉन्ग रोपवे प्रोजेक्ट एट माउंट गिरनार इन जूनागढ़ सिटी। तो मैपिंग को लेकर क्वेश्चन आ सकता है, इंडियन जोग्राफी को लेकर क्वेश्चन आ सकता है। और ये माउंट गिरनार जो है पिलग्रिमेज साइट बहुत फेमस है। तो जो रोपवे प्रोजेक्ट इज बींग डाउटेड एज द लॉन्गेस्ट टेम्पल रोपवे इन एशिया, तो ये उषा ब्रेको ने बनाया है विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 130 करोड़। तो इसमें 25 केबिन है, स्टेट ऑफ द आर्ट है, इंक्लूडिंग वन ग्लास फ्लोट कैबिन ईच हैविंग द कैपेसिटी टू कैरी 8 पैसेंजर्स एट अ टाइम। इट कैन फेरी ऑलमोस्ट 800 पीपल एन आवर इन 8,000 एन डे। तो ये तीन प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से दो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये किसान सूर्योदय योजना के अंदर मैं आपको और डिटेल में बताता हूँ क्या है। तो इसमें क्या है, किसान जो है फार्मर्स हैं वो डे टाइम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को अवेल कर सकते हैं फ्रॉम 5 AM टू 9 PM फॉर इरीगेशन। सो लगभग 234 ट्रांसमिशन लाइन्स आर टू बी इंस्टॉल अंडर द स्कीम एंड ईच लाइन इज टू कैरी द पावर ऑफ 66 किलोवाट एंड दे आर टू बी इरेक्टेड टू अ टोटल लेंथ ऑफ 3490 किलोमीटर्स। सो दाहोड़, पातन, महीसागर, पंचमहल, छोटा के उदयपुर, खेड़ा, तापी, वलसाड, आनंद एंड गिर सोमनाथ हैव बीन इंक्लूडेड इन द स्कीम। जो रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट हैं उनको कवर किया जाएगा फेज वाइज मैनर में बाई 2022 एंड 2023। उसके अलावा कल के न्यूज़पेपर में संडे में सुपर कंडक्टिविटी को लेके आया है, एक नया मटेरियल डिस्कवर किया गया जिसमें सुपर कंडक्टिव मतलब उसमें बेसिकली मटेरियल में सुपर कंडक्टिविटी पाई गई है। तो अ स्टडी हैज शोन दैट अ न्यू मटेरियल सुपर कंडक्ट्स एट 15 डिग्री सेल्सियस बट एन एक्सट्रीमली हाई प्रेशर। तो रूम टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टिविटी है। सो न्यू मटेरियल कंपोज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड सल्फर सुपर कंडक्ट्स एट 15 डिग्री सेल्सियस। हाउएवर इट नीड्स अल्ट्रा हाई प्रेशर अबाउट 2 मिलियन एटमोसफेयर्स। बहुत ज़्यादा ये 2 मिलियन एटमोसफेयर्स, इतने ज्यादा हाई प्रेशर पे रूम टेम्परेचर पे कैसे अचीव करोगे आप ये? सो पुटिंग ऑफ एनी थॉट्स ऑफ एप्लीकेशन टू द फ्यूचर। तो हमारे लिए कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं थी, बट क्योंकि न्यूज़पेपर में आया था और वैसे आज हिंदू आया नहीं है, इंडियन एक्सप्रेस में इसका मेंशन है एंड बाकी न्यूज़पेपर में, सो आई थॉट आई शुड कवर इट। क्योंकि रूम टेम्परेचर पे तो चलो समझ में आता है, बट ये 2 मिलियन प्रेशर कहां से लाओगे सर, कहां से लेके आओगे? वो आर्टिफिशियली क्रिएट कर सकते हो, नेचुरली तो कुछ हो ही नहीं सकता 2 मिलियन। So the pressure they needed was 267 gigapascal or 2.6 million atmosphere. The pressure at the center of the earth is 360. So it is 75% of the pressure at the center of the earth. जो हमारे अर्थ के बीचों बीच जितना प्रेशर है ना वो है 360 gigapascal. और ये सुपर कंडक्टिविटी कराने के लिए चाहिए 267. तो आप अर्थ की तो सेंटर की बात छोड़ दो, आप मरियाना ट्रेंच को भी क्रॉस कर लोगे तो ऐसा लगेगा कि आपके ऊपर 50 जंबो जेट डाल दिया है, उतना प्रेशर है। तो आप ये तो भूल ही जाओ कि 267 गीगा पास्कल जनरेट कर पाओगे नॉर्मली, मतलब आर्टिफिशियली भी प्रोड्यूस करना बहुत डिफिकल्ट है, ये नेचुरली तो खैर छोड़ ही दो आप। सो वेरी डिफिकल्ट, सो जस्ट टू यू नो लेट यू नो अबाउट दिस इंपॉर्टेंट फैक्ट। नाउ ये अभी साइन हुआ है, इनफैक्ट कल साइन होगा, ये आज की न्यूज है, बिल्कुल ताजा खबर बिफोर यू पीपल गो टू स्लीप। दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ दिस क्लास लेट नाइट में 11 से 11:30 हम लोग लेते हैं। जो लोग नए उनसे वो लोग पूछ रहे थे कि सर ये क्लास कितने बजे होती है, हर दिन मंडे टू सैटरडे विदाउट फेल सुबह रात को 11 से 11:30 ये क्लास होती है, करंट अफेयर्स जिसमें प्रिलिम्स प्लस मेन्स प्लस MCQ होता है। मॉर्निंग में होता है एडिटोरियल एनालिसिस सुबह 10 से 10:30, एडिटोरियल अलग ये अलग, ताकि आप इक्वली फोकस कर सके, आधा घंटा वहाँ आधा घंटा यहाँ, एक घंटे में पूरा न्यूज़पेपर विद नोट्स कवर्ड। आपको इसके बियॉन्ड कुछ करने की जरूरत नहीं है, PIB, RSTV योजना के भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में डिस्कस करता हूँ। अब ये बी का जो है अग्रीमेंट, ठीक है, बेसिक एक्सचेंज जो है ये कोऑपरेशन अग्रीमेंट, ये कल साइन होगा, लेकिन आज शाम को अभी PIB में अपडेट आया। आप देखो 26 अक्टूबर 7:24, तो मैंने इंक्लूड कर लिया ताकि आप लोग एक दिन न्यूज़पेपर से आगे रहो।
गर्मा गर्म ताज़ा खबर। सो इम्प्लीकेशन क्या होगा इसको देखते हैं पहले। तो बी का क्या है, ये आपका जब हम साइन करेंगे सो विद द यूएस, ये हमारे चार जो पहले से अग्रीमेंट, फोर फाउंडेशनल अग्रीमेंट हैं, वो टोटल कंप्लीट हो जाएंगे। लिमोवा, जिस्मोवा, कोमकासा, ठीक है, तीनों के साथ ये चौथा बी का जो हो जाएगा, विच विल एनहैंस द इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन द रिस्पेक्टिव मिलिट्रीज। हाउ देयर इज अ नीड टू पे हेड टू टू वैलिड कंसर्न रिगार्डिंग द पॉसिबल कॉम्प्रोमाइज ऑफ इंफॉर्मेशन इंपिंजिंग ऑन इंडिया सिक्योरिटी एंड वेदर दीज अग्रीमेंट्स विल बार्टर अवे द लास्ट वेस्टिजेस ऑफ इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। क्योंकि एक तरीके से हम अपनी मिलिट्री को इंटीग्रेट कर रहे हैं यूएस मिलिट्री के साथ, तो उसमें इंफॉर्मेशन एक्सचेंज मिसयूज ना हो जाए, स्पेशली विद यूएस मिलिट्री, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये अभी न्यूज में आया, डॉक्टर मार्क टी एस्पर, द ऑनरेबल सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ऑफ द यूएस ऑफ द ए, इज विजिटिंग इंडिया विथ फॉर द 2+2 मीटिंग चल रही है आपकी, 2+2 डायलॉग के लिए। आपने देखा होगा यू नो डिफेंस सेक्रेटरी एंड द फॉरन सेक्रेटरी आर हियर, सो मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोलते हैं उनको वहाँ पे। तो बीका की साइनिंग कल कैरी आउट की जाएगी, तो डिफेंस मिनिस्टर जो है रक्षा मंत्री जी श्री ऑनरेबल राजनाथ सिंह, वो उन वहाँ से अभी अपडेट आया उनके ऑफिस से। सो दे हैव हेल्ड बायलैटरल डेलीगेशन टेबल मीटिंग्स एंड दैट इज व्हाई दे हैव डिसाइडेड नाउ दे विल साइन बीका अग्रीमेंट। सो लिमोवा इज लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम अग्रीमेंट, जिस्मोया जो है एंड कोमकासा आपको पता ही है वो इंटरऑपरेबिलिटी के लिए, ये भी बीका इज अगेन फॉर इंटरऑपरेबिलिटी। लिमोवा में क्या है कि बेसिकली उनके प्लेन्स और जो शिप्स हैं दे कैन लैंड एंड पोर्ट इन इंडिया फॉर रिफ्यूलिंग एंड कोई रिपेयर के लिए, बट वी विल नेवर बी अलाउइंग देम एज ऑफ द अग्रीमेंट कि हम उनको हमारे कह सकते हो एयरपोर्ट्स को या फिर पोर्ट्स को यूज़ नहीं कर सकते फॉर एनी मिलिट्री स्ट्राइक्स। जस्ट लाइक अ रूटीन कह सकते हो हॉल्ट हो सकता है रिफ्यूलिंग के लिए, रिपेयर वर्क के लिए, उसके लिए लिमोवा अलाउ किया जाता है, ठीक है। तो आपको इसमें कुछ पढ़ना नहीं है, तो नोट्स में मैं दे दूंगा। और बस आज के लिए इतना ही था बस, और ज़्यादा न्यूज़ है ही नहीं, जितनी इंपॉर्टेंट थी हमने कवर कर लिया। इसके अलावा दो तीन न्यूज़पेपर में और दो न्यूज़ थी, बट मुझे कुछ ज़्यादा खास नहीं लगी फॉर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी आज से मतलब बेसिकली कल से हर दिन एक स्पेशल क्लास होगी, सो डू नॉट मिस आउट ऑन दैट, जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें कि मैं आपसे डिस्कस करूँगा 28 अक्टूबर को बेसिकली कि ऑप्शनल कैसे चूज़ करते हैं सही तरीके से और क्या सही ऑप्शन होना चाहिए हर किसी का, तो इसको ज़रूर देखिएगा। और बाकी कीप पार्टिसिपेटिंग इन यू नो द क्विजेज दैट आर बीइंग कैरीड आउट। आज कोई क्विज नहीं करा रहा हूँ, प्रॉबेबली विल डिस्कस इट टुमारो। एंड बाकी सब्सक्रिप्शन के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये प्राइसेस हो जाएंगी 31 तारीख के बाद, आपका ऑप्शन अलग अलग हो जाएगा। अगर आप देखोगे 12 महीने में 27,000 ऑप्शन हो जाएगा, 49,000 हो जाएगा आपका, बाकी विदाउट डिस्काउंट है। अगर आप 10% कोड यूज़ करोगे डीप YT10 तो आपका प्राइस डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी 31 अक्टूबर तक सिर्फ GS सब्सक्रिप्शन ले लो, आपको ऑप्शन फ्री मिलेगा। जिन्होंने नहीं लिया, जिनको रिन्यू करना है, फटाफट करा लें, ठीक है, क्योंकि ये दो प्राइसेस देखो ऑलरेडी बढ़ गए, वो आपका ऑप्शनल भी अलग हो जाएगा। और ये कुछ लोग बोल रहे थे सर ऑप्शनल क्यों अलग किया, उसका रीज़न सिंपल सा ये है, वी वांट टू इंश्योर क्वालिटी। तो और ज़्यादा नए ऑप्शनल्स लाए जा रहे हैं और वो प्लेटफॉर्म अलग करा जा रहा है ताकि आप लोगों को ईजिली मिल पाए ऑप्शनल के कोर्सेस। या जी 11 डिसलाइक वाले लोग हैं कौन, मुझे समझ में नहीं आया ये हैं कौन 11 डिसलाइक वाले, गजब यार, मतलब कहां से आते हो आप लोग। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस फॉर ट्यूनिंग इन एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड अटेंड दिस क्लासेस डेली। बाकी आई विल सी यू गाइस इन द मॉर्निंग, कल सुबह 10 बजे मिलेंगे हम लोग फॉर दी एडिटोरियल एनालिसिस। टिल नेक्स्ट टाइम यू पीपल कैन टेक केयर योरसेल्फ, बी सेफ, ईट वेल, बी हेल्दी। चलो गाइस थैंक यू सो मच, बाकी बहुत सारे और ऑप्शन ऐड हो रहे हैं।